धनगर संघर्ष समिति की बैठक हो रही है और उसमें सीधे निर्णय लिया जा रहा है कि कहां पर आंदोलन करना है और कितने कितने लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है कि कितनी कितनी बसें लेके आएंगे, ये सारा निर्णय यहां किया जा रहा है। मेरे साथ में समाजवादी पार्टी के नेता और फतेहाबाद से ब्लॉक प्रमुख राकेश धनगर हैं, उनसे जानेंगे किस तरह की मीटिंग रही है। राकेश जी, किस तरह की मीटिंग रही है यहाँ पूरा और क्या कुछ निर्णय यहाँ से लिया गया? आज बोधला में धनगर समाज के सर्टिफिकेट जारी होने के लिए, क्योंकि राज्य सरकार ने 24 जनवरी को एक शासनादेश जारी किया, उसके तहत सभी धनगरों के सर्टिफिकेट जारी हो जाने चाहिए, लेकिन शासन प्रशासन की मंशा धनगर सर्टिफिकेट जारी होने के लिए नहीं है। इसलिए धनगर समाज में भारी रोष व्याप्त है और एक बेहद आंदोलन के रूप में सभी लोग मैन इकट्ठे हुए हैं और आगे की रणनीति बनाई जा रही है कि डेट और जगह निश्चित करके एक बेहद आंदोलन रखा जाएगा ताकि शासन प्रशासन पर दबाव बने और हमारे धनगर सर्टिफिकेट जारी हों। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है आपसे कि आप गठबंधन में हैं इस समय, बसपा से आपका पैक्ट है, आपने अभी एक शब्द कहा यहाँ पर कि एक जाति विशेष आपको बिल्कुल भी धनगर प्रमाण पत्र पर चाहती नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? उसी से आपका गठबंधन है तो यहाँ आपके धनगर को कैसे मजबूती मिलेगी? धनगर समाज के सर्टिफिकेट जारी होने से कुछ लोगों में दिक्कतें पैदा हैं, हमने उनसे बात की, पार्टी के लोगों से बात की है, पार्टी के लोगों ने हमें आश्वस्त किया है। कौन लोग हैं कुछ लोगों में, मैं उन्हीं का नाम जानना चाहूँगा क्योंकि समाज जानना चाहता है। तो ये समाज में कहीं ना कहीं वेदना है, दर्द है। SC ST आयोग के अध्यक्ष ने एक हमारे धनगर शासनादेश में अड़ंगा लगाया है और एक समाज के चंद लोग हैं वो धनगर सर्टिफिकेट जारी होने में अड़चन पैदा कर रहे हैं और ये धनगर समाज उनका भारी विरोध करता है और हमें बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों के पार्टियों का पूर्ण समर्थन है और उन सभी ने कहा है कि धनगर के समर्थन में रोकना चाहूँगा, बसपा का समर्थन है। हाँ, बसपा का समर्थन है, वो धनगर प्रमाण पत्र बना के देगी, लेकिन राजगार्डन में किसी भी नेता ने ये नहीं कहा बसपा के ने कि आपको धनगर प्रमाण पत्र पर हम कोशिश करेंगे, पहल करेंगे। बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट मनोज सोनी ने पूरी तरह आश्वस्त किया और आश्वस्त सिर्फ ये आश्वस्त करना नहीं होता है क्योंकि समाज यहाँ आज फंसा हुआ है, समाज कैसे वोट दे दे उनको जो चाहते ही नहीं है धनगर प्रमाण पत्र को। बहुजन समाजवादी पार्टी की और समाजवादी पार्टी की आज सूबे में सरकार नहीं है, सरकार सूबे में भारतीय जनता पार्टी की है और SC ST आयोग के चेयरमैन रामशंकर कठेरिया बैठे हैं, उन्होंने इसको रोकने का काम किया है और ये धनगर समाज इसका विरोध करता है। हम चाहते हैं कि सभी धनगर समाज के सर्टिफिकेट जो 14 तारीख का शासनादेश हुआ है उसके तहत बनने चाहिए, जब ही हमें हक और अधिकार मिलेगा। और बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों पार्टियों के नेताओं ने इस धनगर मुद्दे पर अपना क्लियर किया है कि हम सर्टिफिकेट जारी हों, हम आपके साथ। एक जाति विशेष के लोगों ने राजगार्डन में धनगर समाज के लोगों को दबा दिया, बोलने तक नहीं दिया और बोलने पे मारने पीटने की धमकी तक दी, क्या मानते हैं कैसे बन जाएंगे, कैसे ये सपोर्ट कर देंगे आपको और कैसे धनगर समाज वोट दे दे गठबंधन को? सर्टिफिकेट जारी हों, हमने उन पर दबाव बनाया, धनगर समाज ने, चूँकि चुनाव आ गया है और चुनाव आ गया है तो उन्होंने हमें पूरी तरह आश्वस्त किया है कि हम धनगर सर्टिफिकेट जारी हों, हम उनके पूरी तरह से साथ हैं। मेरे साथ में राकेश धनगर थे, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बात रखी है और आपको बता दें कि बैठक हो रही है, बैठक के जरिए यहाँ से निर्धारित किया जा रहा है घेराव आंदोलन कैसे हो और पूरा समाज एकजुट कैसे हो। अब समाज के ऊपर है कि वो खुद समझदार है कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, क्योंकि नेता शायद राजनीति के अलावा कुछ नहीं करते हैं। धनगर प्रमाण पत्र पहले भी फुटबॉल बना हुआ था और आज भी फुटबॉल बना हुआ है, ये धनगर समाज पे ही डिपेंड करता है, उसके विवेक पर और उसकी बुद्धि पर डिपेंड करता है कि वो अपना वोट का अधिकार कहाँ दे। कैमरे के पीछे अखिल में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।